डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पेपर्स में जो 30% चैप्टर्स कम किए गए हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। पहले इंग्लिश प्रोज में चैप्टर नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और आई एम जॉन्स हार्ट, ये दो चैप्टर प्रोज में कम कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 चैप्टर बच जाते हैं जिनमें ए गर्ल विद ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, द वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये 5 चैप्टर हमें तैयार करने होंगे और 2 चैप्टर जो हैं वो कम हो गए हैं। अब प्रोज में एक्सप्लेनेशन जो है वो बढ़ाकर 10 नंबर की कर दी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 अंक का होगा और वोकेबलरी जो फिलअप वगैरह है वो 4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से प्रोज 19 अंक की आएगी। अब बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री में इस वर्ष 30% कोर्स के अंतर्गत फ्रॉम एन इलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, लाबेले डैम सेंस मर्सी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए सनी इवनिंग, ये 3 पोएम कम कर दी गई हैं। इनका अध्ययन आपको इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं करना है। अब आपको 7 पोएम्स जिनमें कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लेमेंट, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर और माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ फ्री, इस प्रकार 7 पोएम्स हमें तैयार करनी हैं। इसमें भी एक्सप्लेनेशन जो है वह इस बार जो एक पैराग्राफ रखा गया है वो 10 अंक का होगा और सेंट्रल आइडिया 7 अंकों का होगा। अब चलते हैं तीसरा पार्ट जो हमारा सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है, शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में केवल 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा और वो दोनों क्वेश्चन 10 अंक के होंगे। लेकिन इसमें कुछ सिलेबस कम किया गया है। हमारे पास पहले से 4 शॉर्ट स्टोरीज थी जिसमें से चौथी द स्पेशल एक्सपीरियंस इस बार हटा दी गई है। अतः जिन बच्चे पास में ये कार्य भेजा गया था वो चौथे चैप्टर को उसमें कम कर लें और 3 चैप्टर ही उन्हें पढ़ने के लिए बोर्ड के लिए तैयार करने होंगे। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन में फिगर ऑफ स्पीच जो है वो जो पिछले वर्ष थी और जो कि तो रहेंगी 4 अंक की रहेंगी, जिनमें एक डेफिनेशन 2 नंबर की और 2 एग्जांपल उसके 2 अंक के होंगे। इस प्रकार फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 4 अंक का होगा। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उसमें वोकेबलरी वही 14 मार्क्स की, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स की, ऐसे 12 मार्क्स का, अनसीन पैसेज 6 मार्क्स की और जो ग्रामर पोर्शन है वो 8 नंबर का, ये डॉट इनडायरेक्ट 2 नंबर के, सिंथेसिस 2 नंबर के, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर के और सिंटैक्स 2 नंबर के होंगे। वही जो के त्यों उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने प्रोज में आपको
पहला चैप्टर टीच कर दिया है, उसका काम भी भेज दिया है। दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर आज मैं टीच करने जा रहा हूँ। उधर शॉर्ट स्टोरीज में चार चैप्टर मैंने भेजे थे, तो मैं चार में से एक चौथा चैप्टर जो है वो कम हो गया है। और साथ ही साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है, इस बार नहीं आएगा। उसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है। वैसे मैंने तीन क्वेश्चन उसमें भेजे थे, लेकिन वो तीनों आपको तैयार नहीं करने हैं। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो उनको नोट भी मत करें, और बाकी काम उसी कॉपी में सेम रूप से जो कहते हूँ, जो पहला पार्ट का है जो प्रोज पोएट्री शॉर्ट स्टोरी और फिगर ऑफ स्पीच हैं वो जो के तो रहेंगी, और सेक्शन बी में जो ग्रामर की हमारी कॉपी होगी वो जो के तो अलग होगी। इस प्रकार से हम दो कॉपी में अपना काम करेंगे। तो ये तो रहा आपको पहले तैयार करने के लिए जो मैंने आपको बताई कैसे तैयार करना है, और आप घर रहते हुए किस किस चीज़ की तैयारी करें ये मैंने आपको आज बताया है। अब हम चलते हैं, पहला चैप्टर मैं टीच कर चुका हूँ, दूसरे चैप्टर काम भी जा चुका है। अब है हमारा दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर। ए फेलो ट्रैवलर में लेखक एजी गार्डनर किस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस चैप्टर को उन्होंने लिखा, हमारे लिए एक छोटी घटना हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस छोटी घटना को किस प्रकार से जोड़कर कड़ी बद कड़ी ये साबित करना प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम सब प्राणी उस प्रकृति के ऐसे जीव हैं कि जिसमें कुछ समानता है। वो समानता किस प्रकार स्थापित की है वो आप देखिए इस चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन डिब्बे में पहले आया। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता कि वह कुछ समय पहले से ही डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन ए स्टॉपिंग ट्रेन। ये एक लंदन से मिडलैंड टाउन या मिडलैंड कस्बे जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन एक रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी। एन इन्फिनिटली लग्जरी ट्रेन और पूर्ण रूप से एक बहुत ही फुर्सत की ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी। ये उन रेलगाड़ियों में से एक थी कि जो तुम्हें उस अनंतता को समझने का समय देती थी। अर्थात आप बहुत कुछ सोच समझ सकते थे क्योंकि उसमें कोई समस्या नहीं थी, उसके चलने में जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्हें फुर्सत की ट्रेन कहा है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। यह पूर्ण रूप से खचाखच भरी हुई थी जब यह चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज। लेकिन जब हम नगर के छोटे छोटे स्टेशनों पर ट्रेन रुकती गई, यात्री एक एक दो दो कर उतरते गए, एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन। और उस समय तक जब रेलगाड़ी लंदन के बाहरी भाग में आई, बिहाइंड आई वाज अलोन, मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, और रेदर आई थॉट आई वाज अलोन, या ऐसे कह लीजिए कि मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ। एक बार हिंदी देखिए,
मैं नहीं जानता कि अब में से पहले कौन डिब्बे में आया। वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता था कि वो कुछ समय पहले से ही डिब्बे में था। ये लंदन से मिडलैंड कस्बे जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी, रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी, जो बहुत ही फुर्सत वाली रेलगाड़ी थी। ये उन रेलगाड़ियों में से एक थी कि जो हमें आंतरिक तौर से कुछ सोचने समझने के समय देने वाली थी। ये खचाखच भरी हुई थी जब ये चली, लेकिन जब ये शहर के छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती गई तो यात्री एक एक दो दो कर इसमें से उतरते गए। और उस समय तक जब लंदन के बाहरी भाग में हम पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, या मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग अलोन इन ए कैरिज दैट इज जोल्टिंग नॉइजी थ्रू द नाइट। बहुत ही सुखद एहसास उस आज़ादी का होता है जब डिब्बे में कोई आदमी उस रात में केवल चलते समय खटखट की आवाज़ के अलावा और कुछ भी न हो। लेखक कहने तात्पर्य है कि बहुत सुखद एहसास है जब डिब्बे में कोई नहीं होता और रात्रि में चलते हुए केवल जो आवाज़ पटरी के बीच से उत्पन्न होती है, बस वही आवाज़ सुनाई देती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन वेरी एग्रेबल फॉर्म। यह बहुत ही आज़ादी और बिल्कुल निरंकुश सुखद स्थिति होती है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से बात कर सकते हो, एज लाउड एज यू प्लीज, जितने सुखद रूप से या जोर से तुम करना चाहो। नो वन विल हियर यू, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्टॉक। तुम अपने आप से बात कर सकते हो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और तुम अपने आप से बहस कर सकते हो या जॉन से बहस कर सकते हो। जॉन यहाँ पर एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसमें लेखक जो है वो ये साबित करना प्रयास करता है, जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ वो जॉन है। और मैं उसे धूल चटा करके नीचे गिरा करके बिना कोई प्रतिरोध का सामना किए या भय उत्पन्न किए उसे धूल चटा सकता हूँ। कहना तात्पर्य है कि उसमें लेखक किसी को भी अपने मन में ये सोचकर कि देखो मेरी जीत हो रही है और मैं किसी के भी प्रतिकार का भय मुझे नहीं है और मैं उसको धूल चटा सकता हूँ। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो और कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप, आप एक या दो कदम तुम गा भी सकते हो, एक दो कदम नाच सकते हो और प्रैक्टिस एक गोल्फ स्ट्रोक या गोल्फ खेलने का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हैंड्रेंस। और तुम उस ट्रेन के तल पर कंचे खेल सकते हो और तुम्हें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। तुम खिड़की खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, तुम्हारा विरोध कोई नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। तुम दोनों खिड़कियाँ खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम। और वास्तव में
तुम उन्हें खुला भी छोड़ सकते हो एंड सटिंग देम एज ए सोर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, या तुम उनको बंद भी कर सकते हो और इस प्रकार से एक प्रकार से तुम अपनी आज़ादी का जश्न मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम किसी भी कोने में जिसमें तुम चाहो उसमें बैठ सकते हो एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, या उन पर बार बार बैठने का प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड इन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और तुम पूरी लंबाई के साथ गद्दे पर या सीट पर लेट सकते हो और तुम नियमों को जैसे कि डोरा जैसे नियम के हृदय को तोड़ने का काम करके उसमें फुर्सत और आनंद ले सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, यहाँ तक कि डोरा को भी पता नहीं चलेगा कि उसके हृदय को तोड़ा जा रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, यहाँ तक कि तुम डोरा से भी बच सकते हो। एक बार इसकी हिंदी देखिए, यह आज़ादी का एक सुखद भाव है जिसमें अकेला होने पर डिब्बे में रात को केवल ट्रेन के चलने के जो पटरी के जोड़ हैं उनकी आवाज़ ही सुनाई देती हो। यह प्रकार का कि आज़ादी और निर्विरोध सुखद स्थिति है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम अपने आप से जितनी ज़ोर से चाहो जो तुम्हें अच्छा लगे बात कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। तुम अपने आप तुम जॉन से बहस कर सकते हो और उस पर दूसरे धूल चटाकर विजय उत्सव मना सकते हो और तुम्हें किसी प्रकार के प्रतिरोध का भय भी नहीं होगा। तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। तुम गा सकते हो, एक या दो कदम नाच सकते हो, या तुम गोल्फ खेलने का गोल्फ स्ट्रोक लगाने का अभ्यास कर सकते हो, या वहाँ पर ट्रेन के उस फ्लोर पर या ट्रेन के उस तल पर तुम कंचे खेल सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। तुम खिड़की खोल सकते हो, बिना किसी के विरोध के तुम उसे बंद कर सकते हो। तुम ये दोनों प्रकार से खिड़की खोल भी सकते हो या बंद भी कर सकते हो। वास्तव में तुम जो भी करने जा रहे हो, बंद करने का या खोलने का, इस प्रकार से तुम अपनी एक प्रकार की आज़ादी का उत्सव मना सकते हो। तुम किसी भी कोने में बैठ सकते हो और या तुम अदल बदल करके बैठना प्रयास कर सकते हो। तुम पूरी लंबाई के साथ उसकी सीट पर या गद्दे पर लेट सकते हो और इसी प्रकार से स्वयं डोरा जैसे कानून का उल्लंघन करके अपने उस फुर्सत का और उस आनंद का या उस आनंद को आप मना सकते हो। डोरा को बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रकार से तुम डोरा से भी बच सकते हो। डोरा एक प्रकार का नियम बनाया गया था 1914 ईस्वी में कि ट्रेन में कोई भी व्यक्ति लेट करके नहीं जाएगा, तो ये नियम था। तो इसलिए जब आप अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उस कानून का उल्लंघन भी नहीं होगा या उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, उस रात में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं सूझा। वट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, लेकिन मैं तो उससे भी ज़्यादा साधारण तौर से कुछ कर सकता था। वैन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स
हैड गॉन, और जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री भी चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना अखबार नीचे रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स, अपनी बाहें आर्म्स एंड माई लेग्स, अपनी बाहें और टांगें फैलाई, स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विद विच, और फिर मैं खिड़की से बाहर की ओर देखा कि उस गर्मियों की शांत रात, ठंडी रात को जो शांत रात थी उसमें, उस गर्मियों की शांत रात में मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, आई वाज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमिनिसेंस ऑफ द डे विच स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्थन स्काई, फिर मैंने उस आकाश दिन के उस पीले भाग को जो अभी भी उत्तरी आकाश की ओर ठहरा हुआ था उसकी ओर देखा। क्रॉस द कैरिज, डिब्बे को पार किया एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, फिर दूसरी खिड़की की और खिड़की से होकर देखा। लेट सिगरेट, सिगरेट जलाई, सेट डाउन और बैठ गया एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और यही वह समय था कि जब मुझे अपने उस यात्री के बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरप्रिट इंसेक्ट दैट वी कॉल वेजरली मॉस्किटोज, वह उन पंखों युक्त चुस्त जिद्दी कीटों में से एक था जिसको हम ग्रामीण भाषा में मच्छर कहते हैं। आई फ्रिंकड हिम ऑफ, मैंने से उड़ा दिया, माई नोज अपनी नाक से, मैंने अपनी नाक पर से उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर उसने उस डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटिव इट्स थ्री डायमेंशंस, और फिर जैसे कि उसने डिब्बे की तीनों विमाओं का अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुमान लगाया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, चारों तरफ प्रकाश के भिन्न भिनाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग, और उसने मानो निश्चय कर लिया कि और कोई नहीं है। सो इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, ये देखते हुए कि कोने में कितना बड़ा जंतु बैठा हुआ है। केम, वो आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और आते उसने मेरी गर्दन को देखा। इसकी हिंदी में एक बार रिपीट कर रहा हूँ पैराग्राफ की। उस रात मुझे, मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसी कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं तो इससे भी अधिक कुछ साधारण करने वाला था। अंततः जब मेरे अंतिम सहयात्री भी चला गया, तो मैंने अपना अखबार रख दिया, अपनी बाहें और टांगें फैलाई, खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर की ओर देखा कि उस शाम को जब मैं सफ़र कर रहा था, वो शांत गर्मियों की रात में अभी भी उत्तर आकाश की ओर, आकाश में पीलापन दिन का अभी भी ठहरा हुआ था। मैंने डिब्बे को पार किया, फिर दूसरी खिड़की से देखा, सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर दोबारा पढ़ने लगा। यही वो समय था कि जब मुझे अपने सहयात्री का पता चला। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह उन पंखों वाले चुस्त बहुत ही डीट कीटों में से एक था जिसको हम ग्रामीण भाषा में मच्छर कहते हैं। वह, मैंने उसको अपनी नाक पर से उड़ा दिया। उसने डिब्बे का चक्कर लगाया, जैसे उसने उसकी तीनों विमाओं का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुमान लगाया हो। प्रत्येक खिड़की को देखा और फिर प्रकाश के चारों ओर भिन्न भिनाया। फिर उसने मानो निश्चय कर लिया
कि और कोई नहीं है, इतना बड़ा जंतु ही बैठा हुआ है जो कोने में है, वह आया और उसने मेरी गर्दन को देखा। यहाँ पर ये पता चल गया है कि लेखक को पहली बार पता चला कि उसका सहयात्री कौन है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगली इसमें आएगा, आप इसको पढ़ें। अगर कोई बात समझ में ना आवे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो ज़रूर तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी पुस्तक में जब मैं बोल रहा हूँ आप अपनी पुस्तक खोल करके देखते जाएँ और उसको हिंदी में देखते जाएँ कि क्या बताया गया है, तो आपके उसमें पूरा चैप्टर आ जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। थैंक्स फॉर